वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप बनाने लगे हैं मेथी की सब्ज़ी। तो मैंने कहा सबसे पहले उसको बनाने से पहले ये कर दूं, बता दूं कि हम इसको ये लिए मैंने 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद तिल लिए, 1 टेबलस्पून मैंने मूंगफली ली है, रोस्टेड है ये तो कच्ची भी चल जाएगी, और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन तीनों को मैं सबसे पहले पीस बनाएंगे सरसों के तेल में। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत मज़े की बनती है, तो मैंने इसमें डाल दिया सरसों का तेल। और इसमें डालेंगे इस तरह से 1 अदद प्याज, दरमियाने साइज की चॉप कर ली थी मैंने बारीक। सब्जी बनाया करें सरसों के तेल में, बड़े मज़े की बनती है। इसको थोड़ा सा भुनेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन, क्योंकि मैंने एक पूरा बंच ले लिया था और उसे कटिंग कर लिया। सबसे पहले इसको भून लेंगे। जी 2-3 हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्ची, थोड़ा सा सोचा हो गया था लाइट सा कलर आ गया, तो मैंने इस पर ये दोनों चीज़ें भी डाल दी। मैंने भी आपको दिखाया था कि स्टार्ट से मैंने बनाने से पहले ये देखिए ये पेस्ट बन गया था, और 2 टेबल स्पून इसमें पानी डाल के मैंने इसको पीस दिया था। जीरा, तिल और मूँगफली, ये एक इंडियन मेरी फ्रेंड है, उनसे मैंने ये रेसिपी उनके घर में मतलब खाना खाया था, उसके घर में ये रेसिपी बनी थी। सब्जी इंडियन जो है ये सब्ज़ी बड़ी मज़े की बनाते हैं। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ली थी, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, तो मैंने तमाम चीज़ें इसमें डाल दी हैं, और ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें डाल देंगे। ये नहीं डालते, अभी बिल्कुल टमाटर डालते हैं, इसमें डाल देंगे 3 अदद टमाटर। आप लोग भी इसी तो बनाएगा, मैंने उनके घर में खाई बहुत मज़े की सब्ज़ी बनाई थी, तो मैंने फिर रेसिपी पूछी थी उनसे, उनसे मेरी मुलाकात बाहर ही थी और याद में, तो सब्ज़ी वगैरह बड़े मज़े की बनाती थी। अब इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे, फिर उसके बाद ये पेस्ट डालेंगे। देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, थोड़े से रह गए तो वो जो है सब्ज़ी में भून लिए जाएंगे। और जब हमने पेस्ट बना के रखा था, इससे बड़ा ज़बरदस्त है, एक फ्लेवर आता है जिससे बाजार में मिलते हैं ना उस तरह का, तो ये मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ी देर इसको भी छोड़ दूँगी। थोड़ी देर इसको पकने देते हैं, 2 मिनट हो गए इसको, ये ऊपर आ गया ऑयल भी इसका, और ये मज़ीद जो है अभी हम इसको सब्ज़ी डालेंगे रखेंगे, तो फिर क्या सब्ज़ी अपना पानी छोड़ेगी, तो ये मज़ीद भून लिए गए। तो अभी मैंने इस तरह से इसको हाथ से पत्ते तोड़ लिए थे, कि जो सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ होती है ना, ये भी हाथ से ही टूट जाती, तो मसला नहीं है उसका। इसको मैंने अच्छे से धो लिया था क्योंकि उस पर मिट्टी बहुत होती है। ये 1 किलो है, 500 ग्राम की मैंने 2 मंगाई थी 2 पैकेट, तो ये 1 किलो, क्योंकि पक्के थोड़ी सी हो जाती है ना इसलिए ये। और ये तो आप इसकी टेंशन नहीं रही है ना, हाथ से ऐसे टूट जाती है, ये पकने में भी खुल जाएगी। तो इसको एक दफ़ा हम इसको अच्छे से चम्मच हिला के इसको रख देंगे, और फिर मेरी ज़बरदस्त सी सब्ज़ी आप देखिएगा कैसे बनती है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी जो कि मैंने चम्मच हिलाया उसके बाद देखिए कितनी कम हो गई है, लेकिन बड़े मज़े की बन रही है, और सारे मसाले भी सब्ज़ी जो है धीमी आँच पर रखी हुई थी, मतलब ये हो चुकी है, बस इसको उतारेंगे बंद करेंगे चूल्हा। तो आप देख सकते हो कितने मज़े की इतनी यम्मी यम्मी बनी है ना, और खुशबू तो बस ज़बरदस्त ही आ रही है। तो निकाल लेते हैं प्लेट में, ज़बरदस्त है। कभी कभी दाल चावल वगैरह के साथ भी खैर अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो उसको रोटी के साथ सर्व करूँगी। तो आप लोगों को भी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आके, और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए करें। ये जो है ना, इसको आप हाथ से तोड़ के जब बनाते हो ना,
तो बहुत यम्मी बनती है। और अगर आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हो, लेकिन काटने के लिए ये होता है कि आप उसको काटने के बाद अच्छे से वॉश कर लें और थोड़ा सा तेल के अंदर आप हरी मिर्चें और लहसुन कड़कड़ा के ना उसमें आप ये डाल दें, कटी हुई जो हमारी मेथी होती है ये डाल दें, और साथ ही जो है आप उस पर हल्दी पाउडर डाल के उसको उसका पानी थोड़ा सा सुखा दें, फिर उसके बाद वो कड़वी नहीं होती है। तो ये आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।